बात है उससे शुरू करते हैं कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट पे गया. इट्स वॉज अ स्पोर्ट्स फेस्ट. एक नाम था स्कूल का साइसा. तो उधर पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे किसी ने आके बोला कि भाई आप इमाद बुखारी हो, आप ये हो, आप वो, एंड इवन टुक माय ऑटोग्राफ. तो लाइक भाई आपका सेलिब्रिटी, तो ये ज़रा चेक करो. मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए. क्यों? बस कहीं है. देखो भाई के तीन फैंस, ये तो फिर और ये. इसका ही ब्लॉग देखना. इन भाई को भी मेरा ऑटोग्राफ चाहिए. मतलब कि भाई उस दिन इतना खुश रहा है ना भाई कि सोच ही नहीं सी. तो फॉर एंड थैंक यू फॉर 1400 सब्सक्राइबर्स. सही है. एंड जो मेरी वीडियो थी लाहौर म्यूजिक मीट वाली, वो सबसे हाईएस्ट व्यूज आया उस पर. इट हैज़ रीच्ड 11,000 व्यूज अप टिल नाउ. और बहुत गुड फ्लो आया. थैंक यू जालीस फॉर द सपोर्ट. और अब ये सीन है कि टुडे आई एम गोइंग टू कोक फेस्ट. लाइक जुनेजो आ रहा है, क्यूबी का कॉन्सर्ट है, जहाँ तक मुझे पता है कि शायद आज, क्योंकि आज सेकेंड डे है कोक फेस्ट का. तो आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स. बाकी जुनेजो से तो मिलना ही है ना, वो तो बाद ही छोड़ो. बाकी फीफा की वर्ल्ड कप ट्रॉफी आ रही है, तो सारा व्लॉग ही उस पर है. तो आज के सीन्स ये हैं. अब नहा धो लेते हैं. वैसे सुबह 9 बजे से मेरे घर लाइट नहीं आई, तो पंजाब गवर्नमेंट बैड फ्लो. अब देखता हूँ पानी आ रहा है कि नहीं. अगर पानी आ रहा हुआ तो हम नहाएंगे, अगर नहीं आ रहा हुआ तो हम सीधा कपड़े चेंज कर लें. तो चलो चलें. पानी इतना आ रहा था कि मैंने नहा लिया. सही है. और अब बस ये शर्ट पहननी है, फिर शर्ट पहन के निकलते हैं. भाई अभी हमारे साथ बहुत गंदा सीन होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे फैमिली एंट्री थी. लेकिन भाई की पहचान बहुत है, हमें एक फैन मिली और हमने उसने हमारी एंट्री कराई. गुड फ्लो, गुड फ्लो. जेन्युइन ये सीन था, इससे पूछ लो वैसे. गुड फ्लो, गुड फ्लो. और अब हम एंटर हो गए इन कोक फेस्ट. फैन मिली. वो भाई मैंने सुना था कि आज रेजो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने सारा लोग हमारे घर में मिला नहीं. तो वी आर वेरी हंग्री, मतलब बहुत भूख लग रही है. तो अभी वी आर एट जॉनी एंड जुगनू. तो हर जगह सिनेमेटोग्राफी होती है, तो जॉनी एंड जुगनू में भी सिनेमेटोग्राफी. तो अभी ये लोग पावर हुए हैं. या तो आयमा बेग का कॉन्सर्ट होगा या तो कुरैत रहीम बलोच का कॉन्सर्ट होगा. अंकल आपको पता है किसका कॉन्सर्ट होगा? बताएं अंकल किसका होगा. क्या बोले तो आयमा बेग आ रही है भाई. हमने जोनी एंड जुगनू मंगाया नहीं, ऑर्डर किया है. तो अभी हम ज़मीन पे बैठे हैं क्योंकि इनके पास चेयर्स नहीं थी, मतलब थी लेकिन उन्होंने ये सीख लिया हमें नहीं मिली. हम बेचारे गरीब लोग. ऊपर से भाई की एंट्री एक फ़ैन ने करा दी है ना, आज तो भाई खुश हो गया. भाई का एंड हो गई बात. तो खाना खा रहा हूँ भाई, तब तक तुम लोग सिनेमेटोग्राफी इंजॉय करो. अरे हम
भाई आज बहुत बैड लक सीन है क्योंकि ना तो ट्रॉफी आ रही है लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है लेकिन और हमें जुनेजो भाई नहीं मिले। हमने उनको हर जगह ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया लेकिन हमें जुनेजो भाई नहीं मिले। ठीक है, ये भाई बताएं आप क्या सब्सक्राइब करेंगे आप? देखा लोग जब आपको देखते ना व्लॉगिंग करते हुए तो आप उनकी तरफ कैमरा कर दिया करें। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड जुनेजो बिकॉज ही इज लीविंग एट 7। उसने अपनी स्नैपचैट स्टोरी में कहा था। बाकी ट्रॉफी तो आ रही है और आई एम अ बिग फ्लो है। यस भाई ख़त्म हो गया है, ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी तो शुरू है असल सीन, लेकिन कमर में दर्द हो गई है बहुत एक्सट्रीम किस्म की। तो हम लोगों ने सिर्फ ट्रॉफी देखी है और ये व्लॉग भी ट्रॉफी का था। फिर ये हो गया ना कहो कि भाई टाइटल लगा दिया, ट्रॉफी नहीं नज़र आई। ट्रॉफी आएगी नज़र, पूरी नज़र आई है, उसका सब कुछ दिखाया है मैंने तुम्हें। तो अब हम निकल रहे हैं लेकिन बाइक में पेट्रोल नहीं है। हम बाइक पे आए थे ना, माड़े बंदे हैं भाई, बाइक पे आए थे, अब पेट्रोल नहीं है। अब पेट्रोल का इंतज़ाम करके और फिर हम घर निकल जाएंगे और आज का व्लॉग यही एंड हो जाएगा। और आज भाई इतना खुश भी है क्योंकि मुझे एक फ़ैन मिला। ओहो, इमाद बुखारी इज़ ऑन। Thank you.